अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक्सेल में चार्ट्स को स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेटा ले लिया है और इस डेटा को मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगी और चार्ट्स इंसर्ट करवाऊँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये डेटा मैं जो मैंने दिया है वो चार्ट्स इंसर्ट करवाने के लिए ज़रूरी होता है। इंसर्ट के रिबन में हमारे पास चार्ट्स का पूरा ग्रुप मौजूद है। इसमें डिफरेंट चार्ट्स टाइप मिल जाएंगे, लाइक कॉलम है, कॉलम के ऊपर क्लिक करें तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट डिज़ाइंस लाइक ये वाले हैं, 3D कॉलम्स हो गए, सिलेंडर हो गए, कोनिक हो गए और पिरामिड टाइप हो गए। इसके अलावा आप ऑल चार्ट टाइप पर क्लिक करेंगे तो तमाम चार्ट, ये जितने भी चार्ट यहाँ पर सामने नज़र आ रहे हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगे। पहले हम इन्हीं को चेक कर लेते हैं जो यहाँ पर सामने गिवन है। ये वाला लाइन चार्ट है और लाइन चार्ट कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, कुछ इस तरह से बनते हैं। लाइन चार्ट, पाई चार्ट इस तरह से बनते हैं। ये भी बार चार्ट है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी जबकि ये हमारी वर्टिकल पोजीशन है। एरिया चार्ट है, एरिया चार्ट में डिफरेंट एरिया डिस्ट्रीब्यूशन शो करके काम होता है। स्कैटर चार्ट के अंदर इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे और अदर चार्ट में आपको स्टॉक, सरफेस, डोनट, बबल और रडार टाइप मिल जाएंगे। अब सबसे पहले मैंने डेटा लिखवाया है, अब मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने डेटा को सेलेक्ट किया और चार्ट इंसर्ट करवाया तो देखें इस तरह से चार्ट इंसर्ट हो गया। मैं इसको थोड़ा ये देखें, अकॉर्डिंग टू माई डेटा चार्ट इंसर्ट हो गया है। और क्या चार्ट इंसर्ट हुआ है ये देखिए कि जो मेरे ऑर्डर्स और सप्लायर्स थे वो मेरी एक्स एक्सिस के ऊपर आ गए हैं और जितनी भी वैल्यू है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 80 वो उसने इन तमाम वैल्यूज को लेकर अरेंज करी है, लाइक क्वान्टिटी, प्राइस और मार्कअप। क्वांटिटी वाली जो वैल्यूज़ हैं उस उनको ब्लू कलर के बार से जो है ब्लू कलर से शो करवाया गया है जबकि प्राइस को रेड कलर से और मार्कअप को ग्रीन कलर से। आप चाहें तो ये कलरिंग स्कीम चेंज भी करवा सकते हैं। जैसे ही मैंने चार्ट इंसर्ट करवाया है आप यहाँ देख लीजिए कि व्यू के बाद जो है वो डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट की तीन रिबन्स आ गई हैं। डिज़ाइन के रिबन से आप डिफरेंट डिज़ाइनिंग ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज मेरा फोकस बेसिकली इन्हीं के ऊपर होगा कि आप इन रिबन्स को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इन टैब्स को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे यूजिंग टूल्स। अगर आपको चार्ट स्टाइल पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ से चेंज टाइप से चार्ट जो है वो चेंज करवा सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसी को देखते हैं कि हमने जो चार्ट इंसर्ट करवाया है इसमें सबसे पहले रिबन जो डिज़ाइन की आई है इसमें पहला टूल है चेंज चार्ट टाइप और यहाँ से हम चार्ट टाइप चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा हम सेव करवा सकते हैं अपने टैम्पलेट को, स्विच रॉ एंड कॉलम्स। अब जो आपको यहाँ पर डेटा नज़र आ रहा है और जो डेटा नज़र यहाँ आ रहा है ये हमारी रॉज हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं। अगर मैं इसको स्विच करवाऊँगी तो जो मेरी कॉलम्स थे मतलब ये जो क्वांटिटी, प्राइस और मार्कअप है वो यहाँ पे नज़र आएंगी जबकि जो नेम्स और आइटम ऑर्डर नंबर हैं वो सारे यहाँ लिखे हुए नज़र आएंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, जो ऑर्डर और जो सप्लायर्स थे वो यहाँ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं और जो क्वांटिटी, प्राइस, मार्कअप जो यहाँ हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल पोजिशन में था वो कॉलम वाइज था वो यहाँ रॉ वाइज हो गया है। मतलब जो रॉ था उसको कॉलम बना दिया, जो कॉलम था उसको रॉ बना दिया है इस स्विच रॉ एंड कॉलम ने, ठीक है। सेलेक्ट डेटा से आप डेटा को सेलेक्ट खुद भी करवा सकते हैं। लेट अस सपोज के आपने कोई डेटा, जब मैंने चार्ट इंसर्ट करवाया तो उससे पहले मैंने डेटा सेलेक्ट किया था। अगर आपने डेटा सेलेक्ट नहीं किया तो आप ऐड करवा सकते हैं यूजिंग सेलेक्ट डेटा और फिर ऐड करवा दें आप। और इसी तरह से आप एडिट भी करवा सकते हैं। अगर आपने नाम चेंज करवाने हैं तो यहाँ से आप एडिट करवा सकते हैं। इसी तरह से आप इसको रिमूव भी करवा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को अगेन सेलेक्ट डेटा में जाके बताती हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ सप्लायर्स के नाम लिखे हुए आएँ या फिर ऑर्डर्स लिखे हुए आएँ। यहाँ जो है ये थोड़ा मुझे बल्की लग रहा है, उसके लिए मैं आपको एक रिमूव करके दिखा देती हूँ। सेलेक्ट डेटा में गए, अब ये जो मेरी दोनों वैल्यूज़ थी लाइक ऑर्डर और सप्लायर वो कहाँ पर हैं, ये इस जगह पर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के अंदर हैं। ये हमारी सारी सीरीज़ हैं, लेजेंड्स हैं। अभी लेजेंड्स का भी मैं समझाती हूँ आप लोगों को। पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि मुझे जो है वो
एक ही सीरीज जो है वो शो करवानी है, लाइक सप्लायर्स शो करवाने हैं, तो मैंने इसको एडिट करना है और एडिट करके ये जो डेटा सेलेक्ट हुआ हुआ ये वाला, इसकी जगह पर इसको रिमूव करके इसकी जगह पर मैं सिर्फ इनको सेलेक्ट करूँगी। तो देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है वो डेटा सेलेक्ट हो गया है ओनली सप्लायर्स का। इससे पहले क्या था, मैंने कैंसिल किया, देखो इससे पहले जो है वो दोनों चीज़ें थी आपके पास, मतलब सप्लायर्स भी थे, सप्लायर के नाम भी लिखे हुए आ रहे थे और ऑर्डर्स भी लिखे हुए आ रहे थे। अगेन एडिट करें इसको, यहाँ से ये रिमूव कर दीजिए और अब अपने चार्ट में से आपने सिर्फ सप्लायर नेम्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ अगेन देखिए सप्लायर नेम्स आ गए और आप इस तरह से इसको ओके करेंगे तो ये ऐसे आपको शो होगा। इसके अलावा आप डेटा को रिमूव भी करवा सकते हैं, लेट अस सपोज मुझे जो है ये मार्कअप वाली वैल्यू नहीं चाहिए, इसको रिमूव करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें, रिमूव करें तो देखें यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यूज रह गई, पहले कितनी थी, तीन थी, क्वांटिटी प्राइस मार्कअप। अब मुझे मार्कअप रिमूव करवाना है, उसके लिए मैं सिलेक्ट डेटा में जाऊँगी, मार्कअप के ऊपर क्लिक किया और रिमूव करवाया तो यहाँ से देखें मार्कअप जो है वो रिमूव हो गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे मार्कअप ऐड करवाना है इसके अंदर, अगेन सेलेक्ट डेटा में जाऊंगी और यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, ऐड करवाएंगे, सीरीज नेम देंगे कि सीरीज का नाम क्या है, तो मेरी सीरीज का नाम जो है वो मार्कअप परसेंटेज है, ये मैंने लिया। ठीक है, यहाँ पर ये शो कर रहा है और इसी तरह से यहाँ सीरीज वैल्यूज़ जो हैं उस जगह पर आपने इन तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर मार्कअप का जो है वो अगेन लेजेंड आ गया है और यहाँ ग्रीन कलर के बार से जो है वो वैल्यूज शो हो रही है। ठीक है जी, मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए, ऐड करने का भी बता दिया और रिमूव करने का भी बता दिया, एडिट का भी मैं फर्दर में आप लोगों को बता दूंगी। फिर हम आ जाते हैं डिफरेंट चार्ट लेआउट, डिफरेंट टाइप के चार्ट लेआउट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप चाहें तो इस तरह से लेआउट शो करवा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स हैं, आपने जो भी लेआउट इस्तेमाल करना है वो यहाँ से यूज़ करके आप करवा सकते हैं। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड लेआउट है हमारा इस तरह से। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड लेआउट है, अब इसी को रहने देते हैं। फिर हम यहाँ से मज़ीद स्टाइल्स चेक कर लेते हैं, स्टाइल वन, स्टाइल टू तो स्टैंडर्ड में आ रहा था, स्टाइल थ्री में इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलरिंग स्कीम जो है वो मौजूद हैं और आप इनको इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं और इस तरह से भी आप स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रिबन, दैट इज लेआउट रिबन। लेआउट रिबन को जो है इसमें हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे दैट इज चार्ट टाइटल। सबसे पहले चार्ट टाइटल मैं आप लोगों को समझा दूं कि अभी नन है, मतलब चार्ट के ऊपर कोई टाइटल नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर कहता है सेंटर्ड ओवरले टाइटल, लाइक कि आप यहाँ देखिएगा कि सैम्पल शो कर रहा है कि इस तरह से ऊपर चार्ट के ऊपर जो है वो टाइटल बना हुआ नजर आएगा, अबव चार्ट, सॉरी सेंटर्ड में और चार्ट के ऊपर बना हुआ नजर आएगा, जबकि अबव चार्ट चार्ट से ऊपर बना हुआ नजर आएगा। दोनों अप्लाई करके दिखा देती हूँ, देखिए ये चार्ट के ऊपर ही आया सेंटर में और अगर मैं ये वाला अप्लाई करती हूँ तो चार्ट जो है वो थोड़ा नीचे मूव हो गया है और मेरा टाइटल इसके ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स, आप इसके ऊपर क्लिक करें और चाहें तो आप इसको रिमूव करवा सकते हैं, रीनेम करवा सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, इसके अलावा हम एक्सेस टाइटल भी दे सकते हैं। एक्सेस टाइटल हमारे कौन कौन से एक्सेस हैं, यहाँ पर जो हमने नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ी थी उसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को हम डील कर रहे होते थे, जबकि एक्सेल के जो चार्ट्स हैं इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को डील कर रहे होते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है जबकि वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होता है। अच्छा जी, अब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के टाइटल को देख लेते हैं, तो इस तरह से बता रहा है टाइटल ब्लो एक्सिस, यानी एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे जो है वो टाइटल इस तरह से नजर आएगा। आप इसको अगेन चेंज करवा सकते हैं, जैसे मैंने चार्ट टाइटल दिया था ऐसे ही वर्टिकल में तीन ऑप्शन हैं, लाइक रोटेटेड टाइटल, वर्टिकल टाइटल और हॉरिजॉन्टल टाइटल। जो भी टाइटल आपने देना है, जो भी टाइटल आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो यूजिंग दीज स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं और इसको चेंज करवा दें, मतलब नाम इसका चेंज करवा दें आप। ठीक है, और अगर आपको कोई टाइटल नहीं चाहिए आप इसको नन कर दें, ऐसे ही यहाँ से भी नन कर सकते हैं। लेजेंड्स जो हैं वो हमारे ये वाली वैल्यूज होती हैं, ये जो वैल्यूज हैं हमारी क्वान्टिटी प्राइस मार्कअप, ये लेजेंड्स होते हैं। लेजेंड्स जो हैं वो अभी शो हो रहे हैं एट द राइट हैंड साइड और ये स्टैंडर्ड है कि राइट हैंड साइड पे शो होते हैं, आप चाहें तो टॉप पे भी शो करवा सकते हैं। देखें जो क्वान्टिटी प्राइस मार्कअप यहाँ लेफ्ट पे शो हो रहे थे यहाँ टॉप पर आ गए हैं। ठीक है जी, और भी डिफरेंट ऑप्शन हैं, जहाँ भी आपने
प्लेस करवाना है वहाँ, आप इस तरह से इनको प्लेस कर सकते हैं और चाहें तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, डेटा लेवल्स मतलब जो डेटा हमने यहाँ इस चार्ट को इस्तेमाल करने के लिए जो डेटा हमने यूज़ किया है वो कौन सा डेटा था हमारा, क्वांटिटी, प्राइस और मार्कअप, ये वाली वैल्यूज थी, ये वाली वैल्यूज। इन वैल्यूज़ की बात हो रही है कि आप डेटा को लेबल करवा सकते हैं यूजिंग डेटा लेबल। इसको सेंटर में करवा दें, अभी डन है, ठीक है। सेंटर में करवा के दिखा देती हूँ मैं, इस तरह से ये देखिए ये डिफरेंट डेटा जो है वो नज़र आया, बहुत बल्की हो रहा है इससे, तो इसको भी ना करें अप्लाई क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अगर मैं अपने चार्ट का साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज़ कर दूँ तो शायद ये सेट हो जाए, अभी भी जो है वो थोड़ा क्लियर नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। जो भी काम हम करते हैं या आप करें तो वो इस तरह से करें कि विजुअली इफ़ेक्ट जो है वो अच्छा आए। तो डेटा लेबल रिमूव करवा देते हैं यूजिंग नन, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपनी फॉर्मेट रिबन पे। फॉर्मेट रिबन के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो टूल्स हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो शेप स्टाइल और वर्ड आर्ट स्टाइल है। शेप स्टाइल से जो आपने ये चार्ट इंसर्ट करवाया है इसको आप स्टाइल कर सकते हैं, शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, ये तीनों टूल्स वैसे के वैसे ही जो आप शेप के अंदर इस्तेमाल करके आ चुके हैं, डिफरेंट स्टाइल बने हुए मौजूद हैं। शेप के अंदर जो हमने इस्तेमाल किए थे लाइक फिल कलर करवाया था, पिक्चर दी थी, ग्रेडियंट दिए थे बहुत सारे शेप के अंदर और टेक्स्चर दिए थे, वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं सिवाय पैटर्न के, यहाँ पर पैटर्न नहीं अवेलेबल है। शेप आउटलाइन के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे और डिफरेंट वेट और डैश डॉट की फॉर्म मिल जाएगी। अब इफेक्ट देख लेते हैं, कुछ अप्लाई हो गया आई थिंक, अंडू कर दें। इसकी सेटिंग चेंज हो गई, एक सेकंड, मुझे सेट करवाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो हम दूसरा स्टार्ट कर देते हैं। और इसको मैं आप लोगों को करके बता दूं कि अच्छा, शेप फिल का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि आप शेप फिल से डिफरेंट कलर वगैरह फिल करवा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें अप्लाई करवा दें आप। कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसी तरह से टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं और आप टेक्स्ट के ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से डिफरेंट टेक्स्ट ऑप्शंस हैं और वर्ड आर्ट स्टाइल हैं, डिफरेंट वर्ड आर्ट स्टाइल भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी शो नहीं हो रहे हैं, मेरा एक्सेल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग राइट नाउ। तो ये तमाम टूल्स वैसे आप लोग पहले इस्तेमाल करके देख चुके हैं, तो इनको भी अप्लाई कर सकते हैं आप। और मैंने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स अप्लाई करके रखे हुए हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जो चार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जो चार्ट्स यूज़ करते हैं सारे जो इंसर्ट के रिबन पे थे, तो इन तमाम चार्ट्स को जो है हम दो या दो से ज़्यादा कॉलम के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक चार्ट हमारा पाई चार्ट जो है वो सिंगल कॉलम के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि वो हमारा एंगुलर चार्ट होता है, तो एंगुलर चार्ट जो है वो सिर्फ एक सिंगल डेटा यानी सिंगल कॉलम के डेटा के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन तमाम चीज़ें उसके अंदर भी ऐसे ही, तमाम चीज़ें मतलब डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट की टैब्स जो हैं वो तीनों की तीनों आएंगी और तीनों के तीनों में तमाम वही टूल्स होंगे और उसी तरह से वर्क करेंगे सिंगल डेटा के ऊपर। मतलब आप डिज़ाइनिंग, लेआउट, स्टाइल और शेप स्टाइल वगैरह दे के काम करवा सकते हैं।
मेरा एक्सेल अभी भी वर्क नहीं कर रहा। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से चार्ट्स जो है वो बनते हैं, बना के रखे हैं मैंने डिफरेंट। इसको क्लोज करके मैं दोबारा ओपन करवा लेती हूँ ताकि मैं आपको डिफरेंट चार्ट्स दिखा सकूँ। फिलहाल देखिए इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब इसके अंदर डिफरेंट डिज़ाइनिंग स्टाइल्स की हुई हैं और डिज़ाइन के तीनों रिबन्स को यूज़ करके जो है वो तकरीबन काम किया गया है। लाइक ये देखें, डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट तीनों रिबन्स को इस्तेमाल करते हुए काम किया गया है। इसमें थोड़ा सा कोनिक स्टाइल वाला हमने चार्ट ले लिया है, देखिए ये वाला, ठीक है। ये एक्सरसाइज टू के अंदर जो है वो हमारा लाइन चार्ट इस्तेमाल किया गया है, ये हमारा पाई चार्ट इस्तेमाल किया गया है ओनली सीआई के ऊपर, यानी कि इस वाली वैल्यूज के ऊपर दिया गया है। और ये एरिया चार्ट है हमारा, ऐसे ही अगेन ये हमारा बार चार्ट है, ये भी, ये हमारा कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट। डिफरेंट डिजाइनिंग स्टाइल इस्तेमाल करते हुए इनको मैंने क्रिएट करवा लिया है। इसके अलावा मज़ीद आपने कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम को बताएं कि आप लोगों ने इस तरह से सीखे हैं और डिफरेंट डिज़ाइनिंग ऑप्शंस जो आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहे हैं आप इस्तेमाल करके डेटा और चार्ट को इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।